हेलो जी, आवाज आई आपको? यस मैम। बेटा बेटा, आज थोड़ा सा ये ऐसा है कि लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है ना, इसकी वजह से बार बार कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो रहा है जी। तहा वे वर बी मॉलिब्डेनम, मैं जस्ट रीड करवाऊंगी रैंडमली ताकि आई जस्ट वांट टू गेस कि आपको ये स्टेटमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी सारी पुरानी वाली है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। तहा The component of the enzyme that reduces nitrates to ammonia, important in building amino acids. यस, अब मोलिब्डेनम क्या रोल प्ले कर रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? NO3। आप बेशक इसको नोट डाउन कर लें, नाइट्रेट्स को रिड्यूस कर देता है किसमें? अमोनिया में। अमोनिया का फॉर्मूला होगा NH3। तो रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हो कि नाइट्रेट्स में से ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे वर्ड आ गया रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया। यहाँ पे आप इन दोनों के फॉर्मूलाज लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर दें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन? मैम NO3। यस NO3। एंड द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया NH3। यस वेरी गुड NH3। तो अब यहाँ पे रिडक्शन क्यों हुई? कैसे पता चला कि रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि रिड्यूसेस का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल। तो नाइट्रेट्स में से ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, ठीक है, इसीलिए इसकी रिडक्शन हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ और मैं इसमें से आपसे पूछूंगी। यस साद, यू रीड पोटेशियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पोटेशियम को रीड कीजिए। पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा, रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द। यस, इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट। स्टोमा मींस स्टोमेटा मैम, तो गार्ड सेल्स। यस, गार्ड सेल्स जो ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, ये सिंगुलर है इसलिए इसको स्टोमा बोला जा रहा है। इसका प्लूरल क्या होगा? स्टोमेटा। ऐसे ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस, तो ये जो पोटेशियम है ये क्या काम कर रहा है? स्टोमास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है ताकि एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर ना हो। जस्ट अब आप इनको, इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। समटाइम्स इन पॉइंट्स में से मे बी इट कुड बी गिवन एज शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम जी। अब चूंकि प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये तमाम सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अब वो देखेंगे कि इसका रोल क्या है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। देखिए नाइट्रेट्स का यहाँ फॉर्मूला आ गया NO3। सॉइल में से प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं हवा में और नाइट्रोजन को अपने पास स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। अगर अगर अब ये नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन एंड एंजाइम एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। अब नाइट्रोजन देखिए कहाँ कहाँ काम कर रही है प्लांट के अंदर, हार्मोन्स में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, विटामिन। हेलो सॉरी, हार्मोन्स क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं बेटा, मुझे आपकी आवाज बहुत आ रही है ऐसे फट। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स बेटा, आपकी बॉडी में भी होते हैं, और दीज आर द केमिकल सिक्रीशंस लिक्विड की फॉर्म में। ये केमिकल्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोसेसेस। जैसे अगर आपकी ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, दीज आर द केमिकल्स। ये एंजाइम वाला हमने जो चैप्टर, एंजाइम्स आर द केमिकल्स विच आर नेसेसरी फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म, और ये बॉडी के मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्ट्स में, जैसे कि गर्दन में,
आपके एंजाइम्स जो हैं स्टमक के अंदर भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, आपके नेक में होते हैं एंजाइम्स, इवन आपकी आर्म्स के जो पिट्स हैं यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं केमिकल्स बॉडी के अंदर फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड। अच्छा जी, अगर तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होगा, अगर जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर नाइट्रोजन ना एब्जॉर्ब कर सकें तो स्टंट ग्रोथ होती है। स्टंट ग्रोथ मींस ग्रोथ उसकी प्लांट की शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। स्टंट मींस छोटा, और उसका कलर भी येलो हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गई है, प्लांट किसी ऐसी सॉइल में है जहाँ नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा है, तो फिर एक्सेस ग्रोथ से क्या होगा, डिले इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। प्लांट बढ़ता ही चला जाएगा साइज में, और उसका फ्लावरिंग वाला फेज और फ्रूट प्रोड्यूस करने वाला फेज बहुत देर से स्टार्ट होगा। अब ये बात भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें तो फ्रूट चाहिए होता है ना बेसिकली प्लांट के ऊपर से। Yes, ma'am. हाँ जी, तो अगर फ्रूटिंग देर से हो रही है तो प्लांट हमारे कोई फायदा नहीं देगा फिर हमें। अच्छा जी, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन कहा आप बताओगे, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? सीड का ओपन होना। जी जी, जी ताहा, व्हाट यू से? मैं वो कह रहा है सोचने दें। ओके, मत सोचे, मैं बता देती हूँ। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सीड जो है जब जमीन में दबाया जाता है, उसको वाटरिंग की जाती है, तो उसके ऊपर का जो कवर है वो टूट जाता है, टेस्टा जिसे बोलते हैं, वो ब्रेक हो जाता है कवर, और उसके अंदर से जो एम्ब्रियो है वो बाहर आ जाता है। ऑब्वियसली जब एम्ब्रियो बाहर आएगा तो तभी प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है। ताहा? Yes, ma'am. जी, क्या, what is the meaning of seed germination? मैम, सीड जर्मिनेशन आपने बताया कि जब वो प्लांट का जो सीड होता है वो ऊपर से टूटता है और नया पौधा उगने लगता है। यस, इनके जर्मिनेशन का मतलब है कि ओपनिंग ऑफ सीड, और फिर सीड जो है वो ग्रो करेगा इनटू अ न्यू प्लांट, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जो मैग्नीशियम है वो प्लांट के लिए इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये जो बेटा चैप्टर है ना, ये बेसिकली इसमें मैकेनिज्म्स नहीं है, आपकी लर्निंग से रिलेटेड है। अब फर्टिलाइजर्स दो तरह की होंगी। फर्टिलाइजर्स वैसे होते क्या हैं कि ऐसे केमिकल्स जो कि हम खुद से सॉइल में जी जी बिल्कुल हम एक्स्ट्रा समझ लें कि जैसे सॉइल को आप ज्यादा फर्टाइल करने के लिए, अली इसका पॉइंटर नहीं नजर आ रहा, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा केमिकल्स डाल रहे हैं ना सॉइल के अंदर, तो दीज आर नोन एज फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स की आगे से टू टाइप्स हैं, एक तो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और एक है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अच्छा जी जी, अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी ऑर्गेनिक का वर्ड आ जाता है ना, तो आप एकदम से इसको समझा करें कि ये रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐसी फर्टिलाइजर्स जो हम कहाँ से लेंगे, प्लांट्स से लेंगे या एनिमल्स से लेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने आगे दी हुई है मैन्योर एंड कंपोस्ट। ये स्पेलिंग सॉरी कंपोस्ट के आप बुक से देख लीजिएगा, यहाँ पे टी आना है, ईडी नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, ये टी है ये बेसिकली। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है चारा, ये जो डेड प्लांट्स एंड लीव्स जो मर डेड हो जाते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ डिके कर जाते हैं। और कंपोस्ट भी क्या होता है? डिके ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके मींस जब ये मर जाएंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर दे विल कन्वर्ट इंटू फर्टिलाइजर्स। ओके, व्हाट आर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स
ज्यादातर हम लेते हैं कहाँ से, रॉक्स से, चट्टानों से, जैसे कि सल्फर हो गया और जिप्सम हो गया। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तो हमें जो प्लांट्स हैं वो अच्छा ग्रो करेंगे। स्टूडेंट्स हम कौन से पेज पर हैं जरा मुझे बताएंगे? पेज नंबर 142। जी 142 पर हैं आप। जी साथ, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स? मैम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स सच मैन्योर एंड कंपोस्ट, एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक। रॉक मतलब जो जमीन के अंदर चट्टानों से जो हम चीजें निकालते हैं, जैसे सल्फर है, जिप्सम है, फॉस्फेट है, ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल का कोई काम नहीं है, जमीन से ले रहे हैं ना हम इसको, तो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स बेसिकली आयान ने कहा कि ये सॉइल को इम्प्रूव करते हैं उसकी फर्टिलिटी, लेकिन वही बात आ गई कि जो चीज जरूरत से ज्यादा आ जाए अगर इस्तेमाल में तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल हैजर्ड और फर्टिलाइजर में सबसे पहला जो मेन इसका प्रॉब्लम है वो क्या है? यूट्रोफिकेशन। जी साथ मैम, ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये yes. दोनों सॉइल पर दूसरी तरह सेम तरह अफेक्ट करते हैं या इनका अफेक्ट सॉइल पे डिफरेंट होता है? इनका इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, जी बिल्कुल, ये इफेक्ट इनका डिफरेंट इस सेंस में है कि अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करोगे ना उसको डिके होने में मैन्योर को, कंपोस्ट को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, डिके होकर सॉइल के अंदर उसका पार्ट बनने में टाइम लगेगा। तो ये अगर आप यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट देर से आएगा, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, जैसे कि अक्सर ये पैकिंग में मिलती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पैकेट्स बने हुए, अगर ये डालते हो इट विल हैव अ स्पीडी इफेक्ट, इसका असर जमीन पे जल्दी होता है, ठीक है। बट जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, ये डाल दें तो फिर आपको एक एक दो दो माह तकरीबन वेट करना पड़ता है कि ये फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड कर दें फर्टिलिटी, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ साथ, अब आपने एक क्वेश्चन तो किया, मुझे ये बताओ आपको बेहतर कौन सा लग रहा है ऑप्शन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑब्वियसली, इसलिए कि जो चीज ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी है, उसका नुकसान भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये तो नेचर है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडीज का, तो वो उसका नुकसान नहीं है। बट ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये चूंकि केमिकल्स हैं और हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये हम प्लांट्स को थोड़ा इसका साइड इफेक्ट भी फेस करना पड़ता है। लेकिन अक्सर जमीनों पे हम अगर देखें ना, कभी गांव का किसी का विजिट हो तो अक्सर हम जमीनों पे देखते हैं खेतों में मैन्योर उन्होंने ना स्प्रेड करके डाला होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, एनिमल डंग जिसे बोला जाता है, इनका गोबर, गोबर जो होता है एनिमल्स का, आपने अक्सर नोट किया खेतों में वो बिखेरा होता है उन्होंने, किसी बच्चे ने देखा हो? मैम खेतों में तो नहीं कभी गया, पता नहीं लगता, एक दफा घर पे जो माली बाबा को लेकर आए थे। अच्छा, बस वही ना, अब इन चीजों का बच्चों को देखने का चांस कम मिलता है, लेकिन ये कि अगर आप कभी किसी फील्ड एरिया में चले जाओ, गांव में चले जाओ, तो कभी क्रॉप्स देखने का आपको हो तो आप वहाँ देखें, वहाँ उन्होंने ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं होता, तो मोस्टली जो किसान है वो इसको यूज करते हैं। बट इट हैज अ लॉन्ग, मतलब इसका टाइम ज्यादा है, इसको इफेक्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो तो उसका इफेक्ट एकदम से स्टार्ट हो जाता है सॉइल। अच्छा जी, आ जाए एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के ऊपर कि इसके नुकसानात क्या हैं अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करें तो। जाहिर सी बात है अननेचुरल चीजें उतनी अच्छी तो नहीं होती जितनी नेचुरल होती हैं, और हमें फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल क्यों करनी पड़ती हैं? कोई बच्चा, किसी बच्चे ने ये पॉइंट नहीं रेज किया, व्हाई वी फर्टिलिटी कम हो जाए। अच्छा, क्यों कम हो जाती है? Why soil fertility become low? मैम अगर वहाँ अगर crops उगाए जाते हैं तो obviously वो soil के nutrients को absorb कर रहे होते हैं और ऐसे soil को rest time नहीं मिलता। Very good. Rest time नहीं मिलता। मैम और अगर same crop ही बार-बार उगाया जाए तो तब भी ये होता है, fertility कम हो जाती है उसकी। Very good. बिल्कुल ऐसे ही है।
कि आप रेस्ट टाइम ना दें, तहा वाली बात कि एक तो रेस्ट ना दें आप सॉइल को कि बार 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 उसमें से आप जो है वो सेम टाइप की जो क्रॉप है अगर वो आप ग्रो करवाते रहें, लेट सपोज अगर एक क्रॉप है उसको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए उसकी ग्रोथ में, तो नाइट्रोजन अगर बार बार इस्तेमाल होती रहेगी रिपीटेडली तो नाइट्रोजन की वहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस सॉइल में फिर हमें क्या ऐड करने की जरूरत होगी, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, इसलिए नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जहां पर हमने फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं ना वहां पर यूट्रोफिकेशन एक प्रोसीजर है, फिनोमिनन है, वो हो जाता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड मिनरल्स वहां पे आ जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल जो है वो ज्यादा सॉल्टी हो जाती है, ठीक है। आपकी बुक में ये मैंने एक्चुअली इसके ना मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, पेज 142 पे जो पैराग्राफ है ना ये इसके पॉइंट्स हैं, फोर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो है इसका यूट्रोफिकेशन का, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है यूट्रोफिकेशन की वजह से, कि जो एक बैलेंस सॉइल का जो एक रेट है ना न्यूट्रिएंट्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, सॉइल बिकम मोर सॉल्टी, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आने से उसकी जो एसिडिटी भी बढ़ जाती है और सॉल्ट भी उसमें बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया पे जो है ना व्हाइटिश कलर की ऊपर सॉइल जो है ना व्हाइट व्हाइट सी नजर आना शुरू हो जाती है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर्स का, कि फर्टिलाइजर्स ऐड करने से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। व्हाट डज इट मीन ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि वहां की जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होना शुरू हो जाती है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस, क्योंकि सारी बातें जब आप फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे तो वो फर्टिलाइजर्स सारी सॉइल के अंदर नहीं रहेंगी, बाय द टाइम थोड़ी थोड़ी हवा में भी एमिशन होगी उन गैसेस की, जमीन के अंदर जब केमिकल प्रोसीजर चलेगा नाइट्रेट्स चेंज होके लेट्स सपोज किसी और गैस में कन्वर्ट होंगे, अमोनिया गैस में जैसे भी हमने पीछे देखा चेंज हो रहा था, अमोनिया गैस हवा में इमिट होगी, जमीन से निकल के हवा में जाएगी, तो हवा वहां की क्या हो जाएगी, टेम्परेचर वहां का बढ़ जाएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट तेज हो जाएगा वहां। एक और इसका बड़ा बैड इंप्रेशन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन रेट ऑफ पेस्ट। यस, फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू द पेस्ट प्रॉब्लम, वहां पर जो पेस्ट हैं जो कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे पेस्ट हैं वो उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा जी, उनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। और आपको पता है आजकल कौन सा प्रॉब्लम आया हुआ है ये बलोचिस्तान साइड पे और कुछ वो पे, नाम नहीं याद आ रहा, वो आ जाते हैं आजकल बॉयज बताए मुझे जी, आजकल एक पेस्ट है लोकस्ट, मॉस्किटो का नाम नहीं याद आ रहा, लोकस्ट बता तो रही हूँ बेटा आपको, इंग्लिश में लोकस्ट बोलते हैं, उर्दू में टिड्डी दल बोलते हैं, सुना नहीं न्यूज में आपने बॉयज, आजकल बहुत चल रहा है कि टिड्डी दल का हमला हुआ है फसलों के ऊपर, यानी कि अगर आप फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करें तो पेस्ट की रिप्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और ये फिर जो फार्मर्स हैं उन्हें फिर उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और केमिकल्स डालने पड़ते हैं, स्प्रे करना पड़ता है पेस्टिसाइड का, वो फिर केमिकल्स अगर प्लांट्स के ऊपर जाएंगे तो वो प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होते, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि घर में जब वेजिटेबल्स आती हैं या फ्रूट्स आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, पानी में थोड़ी देर रख देना चाहिए ताकि उसके ऊपर जितने भी केमिकल्स लगे हुए हैं वो सारे वॉश आउट हो जाए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक जो है, जो होमवर्क आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साद एंड ताहा आर यू लिसनिंग? यस मैम। यस, आज आपका जो है एक तो फर्स्ट आपने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बुक में से नोट करनी है, अपनी बायोलॉजी की जो नोटबुक है उस पर नोट डाउन करोगे। सेकेंडली बुक पेज नंबर 141 पे जो टेबल दिया हुआ है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, यस, इसको आपने पेन डाउन कर लेना है, लिख लेना है। आई विल लिसन, आई विल लिसन, मंडे वाले दिन मैं वन बाय वन एक एक न्यूट्रिएंट का नाम लूंगी और आपने उन न्यूट्रिएंट्स की जो रोल है कि वो क्या काम करते हैं प्लांट की बॉडी में उनको आपने बताना होगा, ठीक है। यस आयान, यू आर लिसनिंग? यस मैम। एक आपने न्यूट्रिशन डेफिनेशन बोले और आपने भी टेबल बोले। जी बिल्कुल।
जी अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, आपने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स इन दोनों में डिफरेंस रखना है. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसीजर, जबकि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को यस ताहा मैम, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो कि वो जैसे फूड वगैरह बनता है और जो वो यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक है उनको, और जो यानी हम लोग यूज करते हैं ठीक है जी, उनको न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल्स, मतलब वो एलिमेंट्स जो आप लेते हो न्यूट्रिशन के लिए. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसीजर और न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो केमिकल्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जो आप इनटेक करते हो. इनटेक मींस खाते पीते हो, आगे बात समझ. और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ना बॉडी में फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. चलें जी बेटा, टाइम आई थिंक 9:42 हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी. एंड आस्क योर अदर क्लास फेलोज टू अटेंड द क्लास. ओके मैम. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. अच्छे